हेलो, गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल प्यार भरा। नमस्कार आप सभी को। कल के ब्लॉग में बताया था कि बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी रात भर। अभी आज रात को मैं ये आज रात का मैं चीज़ बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रात भर हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, इनको निमलाइज़र दिया जा रहा था। बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल रहे थे इनको खुद ही नहीं पता। हम लोगों की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। और अकबक कुछ भी बोल रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि हम इनके मम्मी पापा सब लोग दिख रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही रोना आ गया। और अभी जाके थोड़ा सा सोए हैं बाबा। रात भर पापा और अम्मा और हम तो कम जगे थे, पापा अम्मा रात भर जगे हैं। उनको मतलब बार बार उठ के भाग रहे थे, बार बार उठ के फालतू, मतलब अकबक कुछ भी बक रहे थे। बक क्या, उनको पता नहीं क्या हो गया था, बता भी नहीं पा रहे थे। बोल रहे थे अरे बाप रे। बहुत ज़्यादा सीना दुख रहा था उनका, बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सर दर्द कर रहा है। और अभी शाम को उनको फीवर हुआ था, शाम को ही हम लोग दवा दिए थे, मेडिसिन। दो तीन घंटे बाद फिर से इतना ज़्यादा फीवर हो गया कि फिर से देना पड़ा उनको मेडिसिन। तो मैं जब यहाँ मायके में आई थी तो इसी वजह से आई थी। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा उसके पहले ख़राब हो गई थी। मतलब हम सोचे नहीं थे कि बाबा से हम दोबारा मिलेंगे। तो अभी वो वाली स्थिति है ना कि कुछ भी इनको कंडीशन हो रहा है ना, तो एकदम जो प्राण है ना सूख जा रहा है। कि क्योंकि उम्र भी इनकी 96-97 साल की है, और इनका जो हर्ट है ना, वो जो हर्ट के वॉल होते हैं, तीन ब्लॉक हैं और एक खुला भी है, तो उसमें से थोड़ा सा खुला है, वो भी ब्लॉक ही एक तरह से जा। अब वो डॉक्टर इनको जवाब दे दिया था कि ये मतलब वो, अब आप घर पे ले जाके इनकी सेवा वगैरह करिए, वो भी जब ब्लॉक हो जाएगा तो इसी वजह से ना हम लोग एकदम डरे डरे से हमेशा इनकी तबीयत ख़राब होती है तो रहते हैं। एकदम समझ में नहीं आता है कि क्या ही करें। रात भर इतनी ठंड में उठा उठा के फेंक रहे थे ओढ़ने वाला, इनके उनको उड़ाया जा रहा था। तो और कल कंडीशन नहीं थी ये कि हम लोग कुछ किसी को बोलें या बात करें, ये वाला था। तो खैर अभी जाके सोए हैं सुबह में। रात भर तो वही कंडीशन था, बहुत ही बेचैन थे, बहुत ही तबीयत इनकी ख़राब थी। तो अभी जाके सोए हैं सुबह में, थोड़ा सा आराम मिला है, तब जाके हम लोग कुछ खाए पिए। मतलब अभी चाय पानी पिए, नहीं तो रात में कोई नहीं खाया था। मतलब किसको खाना अच्छा लग रहा है, खाना नहीं अच्छा लगेगा, तबीयत ख़राब रहेगी, वो भी इतनी ज़्यादा। तो अभी जाके सुबह में चाय बनाई हैं अम्मा, तो सब लोग चाय पिया है और अब जा रहे हैं नाश्ता की तैयारी करने। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। तो अभी ये शाम का टाइम है, सुबह के बाद गुड बाय। क्या कर रहा है बिट्टू? यहाँ पे अम्मा बाबा की, उनके पैर में मालिश कर रही है, क्योंकि फीवर इतना ज़्यादा था ना कि इनका पैर अभी इतना ज़्यादा दुख रहा है, उठ नहीं रहा है, एक पग नहीं चल पा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा ही दुख रहा है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म करके अम्मा इनकी मालिश कर रही हैं, और बगल में नीचे आग जला हुआ है। और इधर देखिए मौसम भी वैसा ही है। गुड बाय। बाबू अपना खेल रहा है, तो इनको अब मालिश भी कर रही है ना, तो ये भी है कि ठंडा भी लग रहा है, शरीर बहुत कमज़ोर है, देख सकते हैं बहुत ही दुबले पतले, बस हड्डी रह गया है इनके शरीर में, बाकी मांस का कभी नामो निशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। और ये देखिए आग जल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी भी उनको दिया जा रहा है। हद तक ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है, कुछ हद तक ठीक है कल के मुताबिक। अभी आप लोग वीडियो क्लिप देख ही होंगे, अम्मा मतलब उनका मालिश कर रही थी। मालिश भी करने में डर लग रहा है ना, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो जितना वो मालिश करेंगे नहीं उतना उनके अंदर ठंड समा जाएगा। तो आग जला के वहीं पे मालिश कर रही हूँ, और मैं आ गई हूँ अभी रूम में पूरा बेड पे, यहाँ की सफाई करने। यहाँ पे जब मैं रहती थी ना, यहाँ पे मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट रहता था यहाँ पे, और ये यहाँ साइड में ऐसे लंबा लंबा ये चौकी जो इधर साइड में है, इधर साइड में रहता था। तो अभी मैं जा रही हूँ इसकी सफाई करने, क्योंकि ऐसे ही बिखरा हुआ है। जैसे मैं लाई थी सामान, वैसे जहाँ का तहाँ रख दी है। बाबू का केतली लाई थी पानी गर्म करने के लिए, दूध बनाने के लिए ट्रेन में, तो ये बहुत मेरे को फ़ायदा इसको ला के मैंने किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ट्रेन में बार बार दूध गर्म करना था, तो इससे करी थी मैं।
बाकी इसमें ठंडा दूध लाई थी, इसमें गर्म दूध नहीं लाई थी। मैं आते वक्त ना फ्रीजर में रख दी थी दूध, तो वो बर्फ जैसा हो गया था। तो इससे क्या होता है ना कि दूध फटता नहीं है इसमें। हमेशा मैं क्या करती थी कि गर्म दूध लाती थी तो एक दो बार पिलाती थी, फिर फट जाता था। तो इस बार मैंने नया ट्राई किया इसमें रख के, इसमें मैंने सोचा कि ठंडा दूध ले जाती हूँ, ठंडा तो फटेगा नहीं। तो बर्फ़ वाला दूध लाई थी पूरा, मतलब रात में मैं चली थी और पूरा शाम को मैं दूसरे दिन पहुंची, तब तक वो दूध चला था। तो ठंडा इसमें ले आई थी तो फ़ायदा हुआ, बार बार इसमें मैं भले ही ले आई थी गर्म करने के लिए। तो ये चीज़ था, तो एक चीज़ मेरे को अंदाज़ा हो गया कि इसमें हमेशा ठंडा दूध लाओ तो फटने का डर नहीं रहेगा। तो चलिए मैं चल रही हूँ इसकी सफाई करने अभी, और मेरा बेटा आ गया मुझे खोजते खोजते। हाय हाय, कैसे हो? ठीक हो? हाय मम्मी। हाय बेटा, तुम कैप क्यों नहीं पहने हो ये बताओ? ये पहने हाँ, इसको ना चस्का लग गया है तेल लगवाने का। ये सरसों का तेल कहता है कि लगाओ, चाहिए 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 कहता है, ट्राई ट्राई। चलो लगाते हैं बाबू को तेल। ये बूढ़ा उप सो रहे हैं। कंघी कंघी भी करना है, कंघी ये लो, आओ कंघी कर। गुड, बाल में इतना ज्यादा धूल लगा के आया है, तेल लगाई हो तो पूरा हाथ में धूल धूल, कि ठंड के मारे इसको ना अभी एक हफ्ता हो गया नहलाए हुए। मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हाँ बेटा, चॉकलेट? चॉकलेट नहीं है बेटा, चॉकलेट जाओ नानू से मांगो, नानू से चॉकलेट मांगो, चॉकलेट नहीं है इसमें, जाओ नानू से मांग लो। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, अभी मैं जा रही हूँ इसकी सफाई करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे बेड पे कपड़ा फैला हुआ है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि धूप ही नहीं निकल रहा। ठंड के मारे रूम के अंदर तो आने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा ठंड है। दिन भर वहीं बाहर ही थोड़ा सा धूप निकल रहा है तो बैठे रहो। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि सारा कपड़ा फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि बाबू का कपड़ा जो है ना बहुत ठंडा हो जाता है, लगता है गीला है। और बाबू को पहनाने में रोज़ मैं डेली उसका कपड़ा चेंज करती हूँ, तो पहनाने में थोड़ा सा लगता है कि गीला गीला सा है, ठंडा रहता है। ऐसे में फोल्ड करके मैं उसको बैग में रख दूँगी ताकि उसको पहनाने टाइम पे थोड़ा गर्म रहे कपड़ा उसका। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि लंबा ब्लॉग हो जाएगा, और जैसा भी अपडेट रहेगा आपको देती रहूँगी बाबा की तबीयत का। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए नए जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर रिक्वेस्ट मेरी आप समझोगे, रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए आप लोग